हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। तो आज के इस लेशन में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 की चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इसका क्रैश कोर्स रिवीजन देख चुके हैं, जहां तक कि आपके 5 चैप्टर बायो के खत्म हो चुके हैं, आप क्वेश्चन सारे लगा चुके होंगे। अब हम आ चुके हैं चैप्टर 6 में। हम इसकी एनसीईआरटी से क्विक रिवीजन देखने का हमारा मकसद ये है कि जो नीट में 90 क्वेश्चन आते हैं, तो 90 में से 75 क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से पूछे जाते हैं। इसमें मेरी कोशिश यही होती है कि आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर करता चला जाऊं, और जहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको मैं रेड से अंडरलाइन करता हूं, और जहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बनती है उसको मैं येलो से अंडरलाइन किया हूं। तो ये आप देखें, ये चैप्टर को अच्छे से लास्ट तक विद इन 30 मिनट्स ये चैप्टर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहे तो एग्जाम के एक दिन पहले भी ये रिवीजन देख सकते हो, और बार बार ये रिवीजन जरूर देखते रहें, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके 2 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आएंगे वो सही होने के। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहले तो हम ये जाने कि एनाटॉमी होता क्या है। तो एनाटॉमी बायोलॉजी का वो ब्रांच है बोटनी का, जिसमें कि हम किसी भी प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्लांट ऑर्गन्स के स्टडी करते हैं, उसको प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स तो आप जानते ही हैं एंजियोस्पर्म। तो इसमें से जो पहली पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ क्रैप है बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। तो बिल्कुल ये बच्चा टाइप क्वेश्चन लगता है, आने की चांसेस बहुत ही कम है। आगे बढ़े, इस पैराग्राफ में और तो कुछ है नहीं, लास्ट का लाइन आप ये देख सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स आल्सो शो एडेप्टेशंस टू डाइवर्स एनवायरमेंट। कोई भी ट्री किस एनवायरमेंट में रहा है हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से देखकर ये पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लांट टिश्यूज। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं आप तो जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन वो कॉमन ओरिजिन के होने चाहिए और उनका फंक्शन कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब टिश्यू को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे, कि वो डिवीजन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर वो कर पा रहे हैं डिवीजन तो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में आएंगे, अगर वो डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हैं, मीन मैच्योर सेल्स हैं, तो वो परमानेंट टिश्यूज में आएंगे, मीन्स फुल्ली डिफरेंशिएटेड हैं वो। तो चलिए हम मेरिस्टमेटिक टिश्यू को देखें। तो पहले तो ये टर्म ही जाने, मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है मेरिस्टोस से आया है, जिसका मतलब होता है डिवीजन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एमयू मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ग्रोथ जो प्लांट्स में होते हैं तो एक्टिव सेल डिवीजन से होती है, तो ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है। तो ये कहां होती है जनरली, तो रूट्स और शूट्स के टिप पे ये होंगी, तो ये एपिकल मेरिस्टेम होती है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू के 3 टाइप होते हैं, एक तो एपिकल मेरिस्टेम, नेक्स्ट है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और लास्ट होता है हमारा लैटरल मेरिस्टेम। चलिए तो आगे ये पार्ट देखें हम, और कुछ पहले ये डायग्राम है, ये हमारा रूट का डायग्राम है और ये शूट का। इसमें एपिकल मेरिस्टेम को दिखाया गया है, जैसे आप ये रूट कैप देख रहे हो, चैप्टर याद आ रहा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि रूट कैप होता है, फिर मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं जहां एक्टिव सेल डिवीजन होता है। तो बिल्कुल ये उस तरह का, इसमें कुछ खास जो चीजें हैं वो बता रहा हूं मैं। यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड ग्रोथ के दौरान ये पीछे छूट जाता है कुछ पार्ट सेल्स के, तो टिश्यूज के, तो इनको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। लीफ प्राइमोडियम आगे की ओर ये लीफ जा रहा है, तो ये रूट शूट इंपॉर्टेंट डायग्राम है नहीं उतना। ये बढ़े जो हम एक्सिलरी बर्ड अभी देखे हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम में जो पीछे छूट जाता है, तो वही पार्ट ये होता है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं एक्सिल ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्रांच और फ्लावर का आगे चलकर फॉर्मेशन करने वाले हैं। वैसे मेरिस्टेम जो मैच्योर टिश्यू के बीच में होते हैं उनको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोला जाता है। जैसे कोई एक ग्रास है, ठीक, तो ग्रास को अपर पार्ट जो है, ग्रास का अपर पार्ट किसी हर्बीवोर ने खा लिया तो फिर से रिजनरेट करेगा, तो इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, तो ये ग्रासेस और रिजनरेटेड पार्ट्स में ही होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों को मिलाकर बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, आगे बढ़े हम, जो मैच्योर रीजन होते हैं किसी भी रूट्स या शूट्स के, तो उनमें होता है लैटरल मेरिस्टेम। मींस मैच्योर रीजन में अब तो डिवीजन होना है नहीं, तो उसमें सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टेम उसको बोलते हैं। और एक और नाम खास होता है सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। जो क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं कि लैटरल मेरिस्टेम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो एक तो फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम हो गया हमारा, नेक्स्ट है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, और लास्ट है हमारा कॉर्क कैम्बियम। तो फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम को ही इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ, परमानेंट या मैच्योर सेल्स इनको बोलते हैं। अब जो एपिकल मेरिस्टेम है, तो एपिकल मेरिस्टेम से ही कुछ टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे डर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज और वैस्कुलर टिश्यूज। आप आगे चलकर पढ़ेंगे डर्मल सिस्टम, तो उसमें ये चीजें
होती हैं क्लियर। तो ये तीन टाइप के हमारे टिश्यू सिस्टम हुए जो एपिकल मेरिस्टेम से ही जिनका ऑरिजिन हुआ है। क्वेश्चंस यहाँ पे जो आ चुके हैं ये हमारा खास है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़े हम, तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देख लिया, अब परमानेंट टिश्यूज की बारी है। तो ये जो परमानेंट टिश्यू होता है, तो परमानेंट टिश्यू में जनरली डिवीजन तो होता नहीं है, और स्ट्रक्चर और फंक्शन अगर इनके सेम है तो ये सिंपल टिश्यूज है, अगर डिफरेंट है तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। नेक्स्ट बात करें हम सिंपल टिश्यूज की, ठीक है। तो सिंपल टिश्यूज में कुछ पार्ट्स आते हैं, जैसे टिश्यूज के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पैरेन्काइमा है, कॉलेन्काइमा है, और आगे स्क्लेरेन्काइमा है। तो पैरेन्काइमा में आप क्या याद रखोगे कि जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गन के, तो वो पैरेन्काइमा ही बनाते हैं। ये फंडामेंटल टिश्यू होते हैं, बहुत ही पुराने, बहुत ही यूनिवर्सल टिश्यू इन्हें बोला जाता है। थिन वॉल्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल होंगी, क्लोजली पैक्ड होते हैं ये। जैसे आप डायग्राम देख सकते हो पैरेन्काइमा का, कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं कहीं, और कहीं नहीं भी हैं, तो वहां पे पैक हैं। तो ये थी बात पैरेन्काइमा के बारे में। अगर कुछ फंक्शन देखें तो फोटोसिंथेसिस में, स्टोरेज में और सिक्रेशन में इनका जनरली काम होता है। क्वेश्चन तो आज तक यहां से नहीं पूछे गए हैं, चांसेस भी थोड़ी ही बनती हैं। ये आगे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉलेन्काइमा के बारे में। ये आप कॉलेन्काइमा देख रहे हैं, कॉलेन्काइमा के जो कॉर्नर आपको मिलेंगे यहाँ पे थिकनेस होगी, ये इसकी खास बात है, कॉर्नर पे थिकनेस होती है। डिपोजिशन होता है थिकनेस के, थिकनेस है तो किसी का डिपोजिशन हुआ होगा तभी तो यहाँ पे थिकनेस है। तो हेमिसेलुलोज और पेक्टिन यहाँ पे डिपोजिशन होती है जिसके कारण वो थिक होते हैं। जो कॉलेन्काइमा होता है लेयर्स में अरेंज होते हैं एपिडर्मिस के नीचे, डाइकोट प्लांट्स में, ये आपको याद रखना है। जब डाइकोट प्लांट्स के बारे में बताऊंगा वहां पे भी कॉलेन्काइमा की जिक्र आएगी कि कॉलेन्काइमेटस टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आप देख रहे होंगे, इसमें बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेसेस नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। और इसका काम क्या होगा, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। चाहे तो ये कॉलेन्काइमा चाहे तो स्क्लेरेन्काइमा, दोनों का काम मैकेनिकल सपोर्ट का ही प्रोवाइड करने का होता है। और जो भी यंग स्टेम है, पेटियोल्स होते हैं लीफ के, तो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करता है। लास्ट ये हमारा है पार्ट स्क्लेरेन्काइमा। ये देख रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा का दो टाइप होता है, एक फाइबर और एक स्क्लेराइट्स, ठीक है। तो जनरली स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो डेड होते हैं, मेन मैकेनिकल टिश्यू होता है ये। लॉन्ग नैरो सेल्स, थिक लिग्निफाइड वॉल्स विद पिट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, डेड होता है क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट होते नहीं है। ये टाइप होता है फाइबर स्क्लेराइड, आपने देख ही लिया। अब इसके कुछ खास पार्ट, ये जो कॉमनली फ्रूट में पाए जाते हैं स्क्लेराइड्स, जैसे वॉल ऑफ नट्स में, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक ग्वावा, पियर, सपोटा, ठीक है, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टी। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, आने की उम्मीद है क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यूज के बाद हम आ चुके हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में, मीन्स एक से ज्यादा सेल के ये बने हुए होते हैं। जनरली इसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बनाता है। तो पहली चीज तो हम जाने जाइलम के बारे में। तो जाइलम होता क्या है, तो जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में ट्रेकाइट्स और वेसल्स के डायग्राम दे रखे हैं। तो जनरली जो जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट के पार्ट्स को, जाइलम में टोटल चार पार्ट्स पढ़े जाते हैं, एक तो ट्रेकाइट्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम फाइबर्स, और चौथा है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा। जो शुरू के तीन आप देख रहे हैं ये डेड होते हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही जो होता है ये लिविंग होता है, यह बात याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारी बात आती है ट्रेकाइड्स के बारे में, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम इस बार चेंज करी गई है, पिछले बार एक कलर कुछ दूसरी थी, इस बार ये कलर ब्लू कलर में इसका यूज किया गया है, तो काफी एट्रैक्टिव लग रहा है ये डायग्राम। तो हम ट्रेकाइड्स के बारे में जाने, तो ट्रेकाइड्स इलोंगेटेड होती है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ट्रेकाइड्स इलोंगेटेड होती है, ट्यूब लाइक सेल्स होती है, यूनिसेलुलर होती है, थीक होती है, लिग्निफाइड सेल्स होती है। मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, ये खास है, वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट ही होता है ये। टैपरिंग एंड्स होते हैं इसके, ठीक है, एंड वॉल्स जो होते हैं इम्परफोरेटेड होते हैं, नॉन पोरस होते हैं वो, लेकिन पिट्स उनमें प्रेजेंट होता है। पिट्स देख रहे हैं यहाँ पे, पिट्स प्रेजेंट हैं पूरे पे। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उनमें ट्रेकाइड्स और वेसल्स ही मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़े वेसल के बारे में, अगर बात करें तो वेसल्स आप देख ही रहे हैं, वेसल्स भी एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है, जिसको वेसल्स मेंबर हम कहते हैं। ये मेनली जो कैरेक्टर होता है किसी भी एंजियोस्पर्म का, आप वेसल्स कभी भी नहीं देखोगे किसी भी जिम्नोस्पर्म में, ये एंजियोस्पर्म का ही कैरेक्टर होता है। तो प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। और कुछ बातें, वेसल्स मल्टीसेलुलर होती है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल होती है, लिग्निफाइड सेल वॉल होता है, ये सब कॉमन बातें हैं, कोई नहीं पूछने जा रहा आपसे। वेसल मेंबर्स को ही वेसल एलिमेंट्स बोलते हैं।
ठीक है, वेसल मेंबर्स जो होते हैं आपस में कनेक्ट होते हैं कॉमन वॉल से, कोई नहीं पूछने जा रहा। जो चीजें अंडरलाइन है आप उनको बार बार रिविजन के दौरान देखेंगे। नेक्स्ट बात आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा फ्लोएम वाला पार्ट है, उसके पहले हम कुछ जाइलम फाइबर्स के बारे में बात करें। जाइलम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्मिक वुड में, ये आप लाइन याद रखेंगे। कुछ ऐसी बातें मैं बताता हूँ बीच बीच में जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है और क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, ठीक है। ये हमारा पार्ट जो है कि जाइलम फाइबर्स में ऑब्लिट्रेटेड मीन्स रिड्यूस्ड, जो इनमें सेंट्रल ल्यूमेन होता है वो तो रिड्यूस्ड होता है, ठीक है। सेप्टेट और एसेप्टेट की यहाँ पे बात की जाती है, हाईली थिकेंड वॉल्स होते हैं। अब बात आती है जाइलम पैरेन्काइमा, जो कि तीन ऊपर के थे वो डेड हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही जो होता है वो लिविंग है। तो लिविंग थीन वॉल्ड होता है, सेल वॉल सेलुलोज के बने हुए होते हैं। जहां तक स्टोरेज की बात है तो स्टार्च और फैट के फॉर्म में ये फूड स्टोर होता है। लास्ट ये बात कि फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमेटा सेल का, तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करें प्राइमरी जाइलम दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, जो प्रोटोजाइलम होता है ये सबसे पहले जाइलम बना, मेटाजाइलम प्राइमरी जाइलम के बाद बनता है। जो दो चीजें आती हैं इसमें, एक इंडार्च और एक एक्जार्च। तो पहले तो इंडार्च के बारे में देखें, इंडार्च में जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर पे होता है, जो प्रोटोजाइलम होगा सेंटर पे और मेटाजाइलम पेरीफेरी पे होता है। जहां तक रूट की बात है तो रूट में एक्जार्क का केस आता है, तो रूट में जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो होंगे पेरीफेरी पे और जो मेटाजाइलम होंगे वो सेंटर पे, जस्ट अपोजिट कर दो इंडार्च और एक्जार्क का केस, बिल्कुल यही है। नेक्स्ट बात करें हम फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम में बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा उसने वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन किया, तो ये करेगा फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन। जो भी पत्ते में बनेंगे फूड या कोई भी प्लांट में फूड बनेगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के ही थ्रू। फ्लोएम में जनरली चार टाइप पाए जाते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म हैव एल्बुमिनस सेल्स और सीव सेल्स। तो मैं आपको ये चक्कर बताता हूँ, ये चक्कर क्या है। जो शुरू में आपने देखा सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कॉम्पेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स, ये एंजियोस्पर्म के बारे में लिख रखा होता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म होता है, तो जिम्नोस्पर्म में क्या क्या प्रेजेंट है आप सुने ध्यान से। जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स प्रेजेंट है सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह, इसमें एल्बुमिनस सेल्स है कॉम्पेनियन सेल्स की जगह, फ्लोएम पैरेन्काइमा एज सेम एज, फ्लोएम फाइबर एज सेम एज, ठीक है, जो एनजीओ में होता है प्रेजेंट। तो खास यहाँ पे है जो कॉम्पेनियन सेल्स होती हैं वो एल्बुमिनस सेल के एनालॉगस होती हैं, समझ चुके होंगे आप। अब पहली चीज हम बात कर रहे हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में, तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, सीव प्लेट्स वगैरह होती है उनमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें फंक्शन क्या होता है सीव ट्यूब एलिमेंट्स का, ये हमारा खास है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स का फंक्शन है कि फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना हायर प्लांट्स में, जो मेन फंक्शन होता है किसी भी फ्लोएम का। तो आप तो बोल सकते हो फ्लोएम में तो चार हैं, तो मेन फंक्शन तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स का है, तो बिल्कुल हाँ, सबके अपने अपने फंक्शन बंधे हुए हैं। आप आगे देखिए कॉम्पेनियन सेल्स के बारे में, जो कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं तो कॉम्पेनियन सेल्स किसी भी एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर होते हैं। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स इनमें प्रेजेंट होता है, पीट फील्ड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। पीट फील्ड्स का काम क्या होता है कि वो सीव ट्यूब एलिमेंट्स को और कॉम्पेनियन सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करे। तो इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि कॉम्पेनियन सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो बिल्कुल हाँ। अब फंक्शन क्या होता है, तो पहला फंक्शन कि प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में काम आता है, क्योंकि फूड को बहुत दूर तक पहुंचाना होता है और ये प्रोवाइड भी करता है एनर्जी सीव ट्यूब एलिमेंट्स को कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करो तुम प्लांट, ठीक है। यहां तक बातें हो चुकी हैं, अब है फ्लोएम पैरेन्काइमा। अच्छा, इसमें मैं बताना भूल गया कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कॉम्बिनियन सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग होते हैं, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ही इसमें डेड होगा। आप तो सिंपल सा कहना कहीं भी फाइबर है डेड बोल दूं, हाँ बोल दो डेड, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा ये जनरली एब्सेंट होती है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में, ये आप बात याद रखेंगे। और सब सिंपल सी ऐसी बातें हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा सिर्फ मोनोकॉट्स में एब्सेंट है, आप ये याद रखेंगे, ये जो पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर्स के बारे में, फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी बोला जाता है, जनरली एस्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के बने हुए होते हैं। जनरली ये एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, लेकिन ये सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम बहुत अच्छा होता है, जैसा कि आप एस्क्लेरेन्काइमा का काम जानते हैं। नेक्स्ट है इलोंगेटेड होता है, अनब्रांच होता है, पॉइंटेड होता है, नीड लाइक एपेक्स होते हैं, इसके सेल वॉल ठीक होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ें,
तो कुछ बात पता चलती है कि हाँ फ्लेम फाइबर जो जूट के हैं, फ्लेक्स के हैं और हेम्प के हैं, इनका कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब जो मैंने बताया था आपको प्राइमरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, तो यहाँ पे प्रोटो फ्लोएम और मेटा फ्लोएम है। तो सिंपल सा वही केस है कि जो पहले बना फ्लोएम उसको बोल दिए प्रोटो फ्लोएम, जो बाद में बना उसको मेटा फ्लोएम बोल दिया। ठीक है, तो जो प्रोटो फ्लोएम होते हैं उनमें नैरो सीव ट्यूब्स होती है, मेटा फ्लोएम में बिगर सीव ट्यूब्स होती है। एक और लाइन आप याद रखेंगे कि ट्रैकिया, जो ट्रैकिड्स है, ये जो ट्रैकिड्स है और इसके अलावे और भी जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स हैं, तो इन परफोरेशन में मीन्स उनमें पोरस में ये दोनों आपस में डिफर करते हैं। ट्रैकाइड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकियरी एलिमेंट्स इन बीइंग इम्परफोरेट। अब बात आती है हमारे टिश्यू सिस्टम के बारे में, तो टिश्यू सिस्टम जनरली ये तीन तरह के होते हैं। ये किस बेसिस पे डिविजन किया गया, तो मेनली स्ट्रक्चर के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे और फंक्शन के बेसिस पे इसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। ये एपिकल मेरिस्टेम से ही बने हुए होते हैं टिश्यू सिस्टम, मैंने आपको पहली दूसरी पेज में बताया है। तो पहला है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये जो क्लासिफिकेशन है ना वॉन सैक्स ने इसके बारे में बताया था। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल है तो सबसे आउटर मोस्ट ही होगा, इसमें आएंगे क्या क्या वो खास है। एपिडर्मल सेल्स आएंगे, स्टोमेटा आएगा, एपिडर्मल अपेंडिसेस आएंगे, एपिडर्मल अपेंडिसेस में ट्राइकोम्स और हेयर्स आते हैं, ये आप याद रखेंगे। पहली हम बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में, तो सबसे आउटर मोस्ट ये कवरिंग होती है किसी भी प्लांट की। ठीक है, प्राइमरी प्लांट बॉडी इलोंगेटेड होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, लार्ज वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ही कम, ये सब बात कॉमन थी। क्यूटिकल के बारे में कुछ खास बात, क्यों जो क्यूटिकल है तो क्यूटिकल सबसे पहले एब्सेंट होती है रूट्स में, ये खास बात है। क्यूटिकल का काम होता है कि लॉस ऑफ वाटर को बचा सके, कि पानी का ज्यादा से ज्यादा लॉस ना हो। एपिडर्मिस पे जनरली ये प्रेजेंट होता है, वैक्सी थिक लेयर होता है। ठीक, नेक्स्ट बात है स्टोमेटा के बारे में, तो स्टोमेटा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, काम है ट्रांसपायरेशन और गैसियस एक्सचेंज करना O2 और CO2 का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स के बारे में कुछ बातें आती हैं कि गार्ड सेल्स के शेप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे गार्ड सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होती हैं, तो क्लोरोप्लास्ट जनरली क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो इनके पास कुछ जो खास चीजें हैं, जैसे गार्ड सेल्स में डंबल शेप्ड ये मिलता है, गार्ड सेल्स में जो आपको मिलेंगे, गार्ड सेल्स जो डंबल शेप का होता है तो ये जनरली मोनोकॉट्स में ऐसे देखे जाते हैं डंबल शेप के। ठीक है, और बीन शेप्ड के देखे जाते हैं डाइकॉट में, तो ये डंबल और बीन शेप्ड याद रखेंगे आप। अब आगे हम देखें तो कुछ जो, जैसे आप देखो डायग्राम, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, जैसे बीच में आप स्टोमेटल पोर देख रहे हो, इसकी जो पास है वो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के बीच में जो है क्लोरोप्लास्ट है, और जो गार्ड सेल्स को चारों तरफ से घेर रखा है वो सब्सिडरी सेल्स हैं। ये सब्सिडरी सेल्स के बारे में पूछा गया था, नहीं तो मैंने कर रखा है अंडरलाइन, आप देखेंगे इसे। और लास्ट जो हमारा पार्ट होता है वो होता है स्टोमेटल एपेरेटस, तो स्टोमेटल एपेरेटस में कौन सी चीजें आती हैं, तो पहला तो स्टोमेटल एपर्चर, नेक्स्ट है गार्ड सेल्स, और लास्ट है हमारा सब्सिडरी सेल्स। तो ये पार्ट आती हैं स्टोमेटल एपेरेटस में। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, बीन शेप्ड इसमें है और डंबल शेप्ड, इसमें बीन शेप और इसमें डंबल शेप, मींस ये है हमारा डाइकॉट और ये है हमारा मोनोकॉट। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूट हेयर्स के बारे में, तो जो रूट हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जो ट्राइकोम्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। रूट हेयर रूट सिस्टम से निकलेंगे, ट्राइकोम्स ये शूट सिस्टम से निकलेंगे, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। मेनली अब तो काम याद रखो ट्राइकोम्स का, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है ट्रांसपिरेशन के दौरान, और ये जो है रूट हेयर्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का ये काम करता है। आगे देखें हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कौन से पार्ट पूछे जाते हैं, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में सारे पार्ट आते हैं। आप सिर्फ एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को अगर छोड़ दो तो जितने भी पार्ट बच गए, मींस कहें तो हाइपोडर्मिस, जेनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पीथ, मेडुलरी रेज वगैरह सारे आते हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर। तो आप कैसे याद रखोगे इसको, तीन टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर। तो सिर्फ एपिडर्मिस और वैस्कुलर ये दोनों को छोड़ दो, सारे आएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में ही आएंगे। ठीक है, तो तीन सिंपल टिश्यूज जिसमें होती है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट आगे बात करें मेसोफिल के बारे में, तो मेसोफिल क्या होता है, थिन वॉल्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके सेल्स में, टिश्यूज जो होती है इनमें अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, आप इतना याद रख लो काम चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो चीजें आती हैं, फ्लोएम और जाइलम, जो कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, आपने देखा अभी।
वैस्कुलर बंडल के जनरली दो टाइप्स होते हैं। आप तो पहले ये फोटो देखो, ये जो पहला आप देख रहे हैं ये रेडियल है, रेडियल वैस्कुलर बंडल, और जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक कंजॉइंट क्लोज्ड है और एक कंजॉइंट ओपन है, ठीक है। तो आप कंजॉइंट क्लोज्ड और कंजॉइंट ओपन देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप रेडियल देखो, ठीक है। रेडियल, तो रेडियल में होता है क्या कि जाइलम और फ्लोएम, ये आप देखो जाइलम और फ्लोएम जो है डिफरेंट रेडियस पे है, जैसे आपको यहां मिल रहा है और ये आपको यहां मिल रहा है, तो जाइलम तो आपका यहां है और फ्लोएम यहां है, तो ये चीजें हो जाती हैं डिफरेंट रेडियस पे, इसलिए इसका नाम है रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो ये चीजें रूट्स में आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है हमारा ये कंजॉइंट, पहला है कंजॉइंट क्लोज्ड, ये कंजॉइंट क्लोज्ड, ये तो कंफ्यूजन होगा हमें कि सर इसमें तो कैम्बियम है ही नहीं और इसमें कैम्बियम है, तो इसको बोलना चाहिए था क्लोज्ड, इसको बोलना चाहिए था ओपन, तो जी नहीं, पहला जो हमारा है ये कंजॉइंट क्लोज्ड होगा, आप याद रखें, और ये होता है कंजॉइंट ओपन। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको दिख ही रहा होगा, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, इसमें कैम्बियम एब्सेंट है, ठीक है। तो जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है उसको हमने ओपन बोल दिया, जिसमें कैम्बियम क्लोज्ड, जिसमें कैम्बियम है ही नहीं तो उसको हमने क्लोज्ड बोल दिया, ठीक। तो कैम्बियम जिनमें प्रेजेंट होता है तो उनमें एबिलिटी होती है कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज को बना सके, ये जो इसकी खासियत है। और जहां तक कैम्बियम क्लोज्ड वाली की बात है जिसमें कैम्बियम एब्सेंट होती है तो डोंट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज, ये मोनोकोटास्टेम इसमें आते हैं एग्जांपल, और जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है डाइकोटास्टेम्स और लिप्स आते हैं इसमें। आपके बारे में इसमें ही पूरा लिख रखा है, इसके बारे में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं सारे पॉइंट से, आपकी एग्जांपल्स अभी तक नहीं पूछे गए हैं, एग्जांपल्स के चांसेस हैं पूछे जाने की, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें, एनाटॉमी देखें डाइकोट रूट्स का, तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है वो एपिब्लेमा होता है, पहले ही चीज एपिडर्मिस थी यहाँ पे, इसको करेक्शन किया गया नए एनसीईआरटी में। आगे बढ़ें तो कॉर्टेक्स के बारे में कुछ सिंपल सा, मैं आपको डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट के बारे में कुछ मैं बता दूं सिंपल। जो वैस्कुलर बंडल होता है तो डाइकोट रूट में 2 से 4 मिलेगा और मोनोकोट रूट में मोर देन 6 मिलते हैं, पॉलीआर्क का कंडीशन होता है। जहां तक पीथ की बात है तो पीथ इतना स्मॉल होता है और मोनोकॉट्स में वेल डेवलप्ड होते हैं पीथ। कंजक्टिव टिश्यू जो होता है वो डाइकोट रूट में पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है, मोनोकॉट रूट में वही चीजें एस्क्लेरेनकाइमेटस होती हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं होगा और मोनोकॉट रूट्स में नहीं होगा। ये कुछ बातें थी, और देखें बात डाइकोट रूट के बारे में, जो इनर मोस्ट है एंडोडर्मिस है वो सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं। कुछ चीजें आपको नहीं अगर इसमें समझ में आ रही हो आप क्रैश कोर्स सीरीज में देख सकते हो, जहां तक कोशिश होती है मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि विद इन 30-35 मिनट्स हमें समझाना होता है। नेक्स्ट है कैस्पियन स्ट्रिप्स, इसमें होता है जो कि वाटर इम्परमेबल होता है। वाटर इम्परमेबल क्यों है, क्योंकि उनमें डिपोजिशन होता है सुबेरीन वगैरह का, तो इसलिए वाटर इम्परमेबल होते हैं। ये सब पूछी नहीं जाती हैं चीजें, आप सिर्फ याद रखेंगे ऐसे ही। ये पेरिसाइकल हमारा हो गया, कंजक्टिव टिश्यू हमारा खास है, जो भी पैरेन्काइमेटल सेल्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं उनको हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट अस्टील, अस्टील से जो क्वेश्चन पूछा गया है, अस्टील में कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो जितने भी पार्ट्स, जितने भी टिश्यूज जो एंडोडर्मिस के अंदर हैं वो सारे अस्टील के अंदर आते हैं। तो अस्टील के अंदर आती कौन कौन सी पार्ट हैं, तो पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल और पीथ, ये आएंगे अस्टील के अंदर। मोनोकॉट रूट के बारे में आप जो पॉइंट देख चुके हैं, पॉलीआर का कंडीशन होता है, पीथ वेल डेवलप्ड होता है, मोनोकॉट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं। नेक्स्ट है डाइकॉट स्टेम, में वही एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगा, क्यूटिकल का लेयर होता है, ट्राइकोम्स और फ्यू स्टोमेटोन में प्रेजेंट होंगे। हाइपोडर्मिस जो होता है उसमें कोलेनकाइमेटस सेल्स के लेयर होते हैं। स्टार्च सिद एक पूछा जाता है कि स्टार्च सिद क्या होता है, तो जो स्टार्च सिद है वो एंडोडर्मिस के सेल्स जो स्टार्च ग्रेन्स जिनमें होता है, तो ऐसे लेयर को स्टार्च सिद बोलते हैं, जिनमें स्टार्च का लेयर बना हुआ है उसको स्टार्च सिद बोल दिया। नेक्स्ट है ये हमारा खास पॉइंट है कि जो रिंग का अरेंजमेंट होता है वैस्कुलर बंडल में, तो वो कैरेक्टरिस्टिक होता है डाइकोट स्टेन का, मैं आपको बता चुका हूँ वैस्कुलर बंडल में, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोकॉट स्टेन, तो मोनोकॉट स्टेन जो होता है उसमें हाइपोडर्मिस एस्क्लेरेनकाइमेटस होती है, वैस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट और क्लोज होती है, पहले पता चल चुका है आपको। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे, वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल्स, वाटर कंटेनिंग कैविटीज मीन जैसे भी कोई भी मोनोकॉट स्टेन का नाम आए तो उसमें वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती है। जैसे मैं नाम ले लूं आपका मेज का, ग्रास का, तो सब में आपको मिलेगा ये मोनोकोटास्टेम वाला जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज है, ये खास है। नेक्स्ट हम देखें डॉर्सी वेंट्रल या डाइकोट लीफ के बारे में, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला जो पार्ट है हमारा डाइकोट लीफ के बारे में, तो डाइकोट लीफ को हमने डॉर्सी वेंट्रल भी नाम दिया है।
और जो मोनोकॉट्स होंगे उनको आइसोबायलेटरल लीफ बोला गया है। मैं बता चुका हूँ राइट एंगल से कैसे क्या होता है, अगर आप जानना चाहो तो देख सकते हो, लिंक मैंने दे रखा है नीचे। नेक्स्ट, अब ये दो चीजें आएंगे, एडेक्सियल एपिडर्मिस और एबेक्सियल। एडेक्सियल मीन्स होता है अपर सर्फेस, ये अपर सर्फेस के बारे में है और ये लोअर सर्फेस के बारे में है एबेक्सियल। नेक्स्ट, जहां तक अस्टोमेटा की बात है तो जो डाइकॉट लिप्स होते हैं तो डाइकॉट लिप्स में अस्टोमेटा ज्यादा लोअर सर्फेस पे होगा, जो एबेक्सियल सर्फेस होगा उस पे ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसका अपोजिट कर दो आप डाइकॉट लिप्स में, ये मोनोकॉट लिप्स में आप इसका अपोजिट कर दो, ठीक है। मेसोफिल सेल्स इनमें होता है, दो पैरेन्काइमा होंगे, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा इनमें देखने को मिलेगा। बंडल सिथ सेल्स होते हैं, क्वेश्चन तो यही सब पूछे जाते हैं जो मैंने अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट बात है आइसोबायलेटरल लीफ के बारे में, जो मैंने आपको बताया आइसोबायलेटरल लीफ में जो डिफरेंशिएशन है वो पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में नहीं हो पाता है। ग्रासेस में कुछ खास सेल्स होते हैं जैसे बुलीफॉर्म सेल्स होता है, इस सेल्स के बारे में कुछ खास फीचर, लार्ज होते हैं, एम्प्टी होते हैं, कलरलेस सेल्स होते हैं, ग्रासेस में जनरली प्रेजेंट होते हैं, जब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो टर्जिड हो जाते हैं और वाटर स्ट्रेस की जब कंडीशन आती है तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं, लीफ कर्ल कर जाती हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये दोनों डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो मोनोकॉट वाला जो डायग्राम है तो मोनोकॉट में आपको पैलिसेड नहीं देखने को मिलेगा, ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल होता ही नहीं है। नेक्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ, हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो जनरली जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट की गर्थ को बढ़ाने के लिए इसका काम होता है। वैसे टिश्यूज जो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं वो उनको लैटरल मेरिस्टेम बोला जाता है, जैसे वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी टिश्यूज। नेक्स्ट है हमारा वैस्कुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम इसमें जनरली दो प्रोसेस लगते हैं, एक तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, तो जिनमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पहले बनता है फिर बनेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो पहले जो बन रहा है प्राइमरी ओरिजिन जो है वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तो ये वैस्कुलर बंडल के अंदर में बनता है, ठीक। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे बनता है ये खास है हमारा, तो जो मेडुलरी रेज के सेल्स होते हैं और जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है दोनों मिलकर एक कंटिन्यूअस रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। पहले रिंग्स बिल्कुल इस तरह होता है और फिर यही रिंग फिर आगे चलकर कंटिन्यू हो जाता है जब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आती है। तो नेक्स्ट, जो कैम्बियम की एक्टिविटी है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनसे ये अफेक्ट होता है। एक्टिविटी जो कैम्बियल रिंग की है तो इनमें कुछ खास है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि जो सेकेंडरी जाइलम होता है ये बीच सेंटर पे बना हुआ होता है और सेकेंडरी फ्लोएम ये आउटर पेरीफेरी पे ये बना हुआ होता है। तो जो अंदर बनेगा जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है देन सेकेंडरी फ्लोएम, 6 से 8 गुना ज्यादा, ये कह सकते हैं आप 8 से 10 गुना ये ज्यादा होता है, मींस मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। अब बात आती है कि प्राइमरी जाइलम कहाँ गया, तो सेंटर पे ये खिसकता चला जाता है, ठीक है। अब कैम्बियम जो होता है एक नैरो बैंड का फॉर्मेशन करता है पैरेन्काइमा का, जो जिसमें जो सेकेंडरी जाइलम है और जो सेकेंडरी फ्लोएम है इसके बीच में जो बनते हैं टिश्यूज उनको बोला जाता है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, जो कि रेडियल कंडक्शन करते हैं वाटर और फूड का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पार्ट था हमारा ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और जो बीच में बना हुआ था ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, फिर एक रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, मेडुलरी रेज भी आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट हम बात करें आगे स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बारे में। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड होता क्या है, तो पहले तो स्प्रिंग वुड की बात कर लें तो इसे अर्ली वुड भी बोलते हैं और ऑटम वुड को लेट वुड बोलते हैं। स्प्रिंग वुड ज्यादा एक्टिव होता है और जो ऑटम वुड होता है वो लेस एक्टिव होता है। स्प्रिंग वुड जो होता है वो लाइट कलर का होता है, ऑटम वुड डार्क कलर का होता है। ये सब कुछ बातें हैं, पूछेंगे ज्यादा अमाउंट में किसका फॉर्मेशन होता है तो स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन होता है, कम अमाउंट में कौन होता है तो ऑटम वुड का होता है, लेस डेंस कौन है तो स्प्रिंग वुड, मोर डेंस कौन है तो ऑटम वुड, ये सब पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा स्ट्रॉन्ग कौन है तो ऑटम वुड स्ट्रॉन्ग है, स्प्रिंग वुड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये कुछ बातें थी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड के बारे में। अब आती है बात एनुअल रिंग के बारे में। तो एनुअल रिंग के नंबर को आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि ट्री की एज कितनी है, तो इसी चीज को डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हार्टवुड और सैपवुड। तो हार्टवुड और सैपवुड होता क्या है, तो ये हार्टवुड ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सैपवुड। तो हार्टवुड के बारे में आप जाने कि डार्क कलर, एक डार्क ब्राउन कलर का जो वुड होता है ये हार्टवुड होता है और जो सैपवुड होता है लाइट कलर का होता है। जहां तक आपसे पूछा जाएगा फर्नीचर्स बनाने में किसका यूज किया जाता है, हार्डवुड का, इसका कोई काम ही नहीं है।
लाइटर होता है और लिविंग सेल्स इनमें होते हैं प्रेजेंट, वाटर और मिनरल्स का ये ट्रांसफर करते हैं रूट से लेकर लीफ तक, और हार्डवुड होता है डेड एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, लिग्निफाइड सेल्स के बने हुए होते हैं, हैवियर होता है, हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट्स होते हैं, ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसफर करते ही नहीं है। इनमें एक खास चीज होता है टाइलोज, जो मैंने आपको बताया था कि जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है वेसल्स के बीच, उसको टाइलोज बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिपोजिशन होता है हार्डवुड में, तो ये सब चीज मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है कॉर्क कैम्बियम के बारे में, कॉर्क कैम्बियम ये हमारा खास है। तो कॉर्क कैम्बियम में क्या चीजें इन्वॉल्व होती है ये हमारा खास है, तो एक तो फेलोजेन, नेक्स्ट है फ्लेम और तीसरा है फेलोडर्म, ये मिलाकर आपका बना है ये पेरीडर्म। तो फेलोडर्म को आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोल सकते हो, फ्लेम को कॉर्क भी बोल सकते हो, और कॉर्क कैम्बियम फेलोजेन एक ही चीज है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें, जो बॉटल कॉर्क होती है तो बॉटल कॉर्क में क्या लगाया जाता है, तो फेलोजेन ही लगाया जाता है बॉटल कॉर्क में, जो कि क्वेरकस सुबेर के लकड़ी से बनी हुई होती है। इसकी कुछ खास बात आप यहाँ पर याद भी कर सकते हो कि नैरो होता है, थिन वॉल्ड होता है, रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं इसके, और आगे ये प्रेशर बनाता चला जाता है जिससे कि फेलोजेन जो होता है और भी जो लेयर्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बार्क, जो कि नॉन टेक्निकल टर्म होता है। बार्क में आती क्या क्या चीजें हैं, तो पेरीडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब जितने भी टिश्यूज जो वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर हैं वो आते हैं बार्क के अंदर। बार्क दो टाइप के जनरली होते हैं, अर्ली वुड और लेट वुड। अर्ली को सॉफ्ट भी बोला जाता है और लेट को हार्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट लेंटिसल्स के बारे में, ये जो पहला हमारा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ये लेंटिसल्स का बना हुआ है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, और नीचे जो बना हुआ है बार्क है। तो लेंटिसल्स के बारे में, जो लेंटिसल्स होती है ये लेंस शेप्ड ओपनिंग होती है। लेंटिसल्स लेंस शेप्ड ओपनिंग, नाम से ही पता चल रहा है लेंस, तो आया कहां से, तो लेंस शेप्ड ओपनिंग से ये चीजें आई हैं। एम्स में डायग्राम आया हुआ है, लेबलिंग अच्छे से आप याद रखेंगे। जो सबसे ऊपर का लेयर है इसे एपिडर्मिस बोला, जो अंदर का लेयर है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स क्या होती हैं, तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, राउंडेड होते हैं और ये कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट इसमें कॉर्क कैम्बियम आप देख ही रहे हैं साइड में, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स से आपका नीचे का पार्ट है, ठीक है। जब रप्चर करती हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स तभी लेंटिसल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेंटिसल्स का काम क्या होता है, तो गैसेस एक्सचेंज में मदद करते हैं आउटर एटमॉस्फेयर से, और इंटरनल स्टिंग जो होता है टिश्यू का उससे ये मदद करते हैं। मोस्टली वुडी ट्रीज में आपको लेंटिसल्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें बीच में लेंस टाइप के सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा ये पार्ट सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है रूट्स के, तो इनमें जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है तो सेकेंडरी ओरिजिन होता है, ये आप याद रखेंगे बात। और जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के बारे में यहाँ एक बात पूछी जाती है, क्या एक मैं आपको क्वेश्चन बता पूछ रहा हूँ कि जो प्रोटो, जैसे मैं एक डाइकोट स्टेम आपके सामने रख रहा हूँ, तो डाइकोट स्टेम, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, वन मिनट, जैसे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स विल यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, एक डाइकोट स्टेम है और एक डाइकोट रूट है, तो इसमें दोनों में डिफरेंसेस आप कैसे लगा सकते हो। आपके पास है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और कॉर्टिकल सेल्स और प्रोटोजाइलम, तो जो प्रोटोजाइलम ही होता है जो डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा कर सकता है। क्वेश्चन दो बार पूछी गई है नीट में, एक तो पहले एआईपीएमटी में आई थी, एआईपीएमटी 2014 में आई है, और एक पहले भी एआईपीएमटी में ये क्वेश्चन 2009 में पूछी जा चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा प्रोटोजाइलम, तो प्रोटोजाइलम ये आपको रूट्स में देखने को मिलेगा, डाइकोट रूट्स में, ये आप देख चुके हैं। और ये जो कुछ खास बातें सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में कि मोनोकॉट्स में तो होते ही नहीं है, इसलिए ग्राफ्टिंग इनमें पॉसिबल भी नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। डाइकोट रूट्स में एनुअल रिंग एब्सेंट होते हैं, और जनरली स्टेम और रूट्स जिम्नोस्पर्म में ही होता है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। अब बात आती है कि कोई वुडी डाइकोट स्टेम है तो वुडी डाइकोट स्टेम में सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, बाहर की तरफ, पेरीफेरी से अगर हम सेंटर की तरफ अगर हमें जाना है तो सबसे पहला पार्ट क्या आएगा, तो फ्लेम, नेक्स्ट सेकेंडरी कॉर्टेक्स, नेक्स्ट सेकेंडरी फ्लेम, और लास्ट हमारा पार्ट ये जो बचेगा वो वुड होगा। ये हमारी पार्ट थी पूरी कंप्लीट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कि विद इन 35 मिनट्स हो चुका है। ये इससे दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अब सारे क्वेश्चंस आप इसके लगा सकते हो जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने जो सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।